आज मैं गाइड भी जा रहा हूँ और अभी मैं बस स्टेशन पे ही खड़ा हूँ, बस का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही बस आती है, बस तकरीबन हर 15 मिनट्स में एक बस आती है, जैसे ही बस आती है तो मैं आपको भी लेके जाऊँगा और आज मैं आपको गाइड बीच का सेल कराऊँगा। ये मेरे कार्ट से 380 डिडक्ट हो गए, बट जनरली अगर आप कहीं पे भी दुबई में ट्रेवल करें बस में तो 380 ही डिडक्ट होते हैं और इतने ही फेयर है एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जाने के लिए। पहुंच गए ये अपनी स्टेशन पर मीनारा इनोकपुर और ये जुमेरा का एरिया है, तो काफ़ी अच्छा एरिया है और आप साइड पे देख भी सकते हैं कि अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी बने हैं। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ काइड बीच और रास्ते में मैं आपको जुमेरा भी दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आए। साइड पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, ये सामने वरसान मंदिर रेस्टोरेंट है और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए और बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर और लोग भी बहुत आए हुए हैं। अच्छा ये करीम बाइक्स हैं तो ये आप बिल्कुल रेंट भी कर सकते हैं यहाँ से, आपने बस ऑनलाइन ये इनका वो बना हुआ है ये स्कैन करके आप पे कर सकते हैं इनको और फिर ये आप रेंट आउट कर सकते हैं अपने ट्रिप के लिए। ये मैं बीच पे पहुँच गया और ये सामने बोट्स भी देख सकते हैं आप और ये एक जॉगिंग ट्रैक भी बना हुआ है यहाँ पर, लोग मॉर्निंग में आके जॉगिंग भी करते हैं। अभी भी काफ़ी दूर है बीच, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। अभी ये साइकिलिंग के लिए सेपरेट ट्रैक बना हुआ है और इसके साथ ही जॉगिंग के लिए भी एक ट्रैक बना हुआ है और ये मैप भी लगाया हुआ है यहाँ पर बीच का, तो यहाँ से आप डिफरेंट चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस मैप में। ये यहाँ पर प्रिकॉशंस लिखी हुई है बीच की, मैंने जाके चेक किया कि कहीं वीडियो मोबाइल यूज़ करना कहीं प्रोहिबिटेड ना हो यहाँ पर, तो लकीली आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आप वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि दुबई में तो जाहिर है रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होती है कि आप हर जगह वीडियो नहीं बना सकते। दुबई में फ़ाइन बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, तो आपने देख के वीडियो या अगर व्लॉग बनानी है तो आपने देख के बनानी है। ये मैं फाइनली पहुंच गया बीच पे और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत बीच बना हुआ है और पानी देख सकते हैं कि प्योर ब्लू वाटर है यहाँ पर। वीडियो मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि बहुत ही प्राइवेट जगह है यहाँ पर, तो मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बीच दिखाऊँ और किसी में भी आप अगर कोई भी दुबई आए तो आप लाजमी विज़िट करें। और ये सामने आप बुर्ज़ अरब भी देख सकते हैं और मेरा तो ख़ुद नहाने को दिल कर रहा है, लेकिन मैं स्विम सूट नहीं लेकर आया हूँ और अभी मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि काश मैं ले आता तो यहाँ पर मैं भी नहा लेता। क्या दिल कर रहे? बहुत दिल कर रहे। फैमिलीज़ के लिए ये काइड बीच बहुत बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे भी खेल रहे हैं और फैमिलीज़ भी खेल रहे हैं, सामने लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं यहाँ पर, तो बच्चों के लिए तो ये बहुत बेस्ट बेस्ट जगह है यहाँ पर। यहाँ पर तो इन्होंने एक्सरसाइज मशीनें भी रखी हुई है, तो मेरे ख़्याल से हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं और सर्दी के मौसम में काफ़ी लोग आते हैं सुबह सुबह जॉगिंग के लिए, तो वो एक्सरसाइज भी करते होंगे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा यहाँ बीच का और फैमिलीज़ को जो विज़िट करने आते हैं दुबई तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर ज़रूर आएँ बच्चों के साथ और आप अपने लिए खाना भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट देखा सॉल्ट के नाम से। तो बाकी मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, इंशाल्लाह मैं आपको दुबई का कोई और जगह दिखाऊंगा।